अब हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी बनाइए घर पे, वो भी बहुत आसानी से। एकदम फूली फूली खस्ता मसालेदार कचौड़ी आप घर पे बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ। कैसे बनाना है हलवाई जैसा मसाला और कैसे लगाए इसका आटा कि आपकी कचौड़ी एकदम फूली और खस्ता बने, शेयर करूंगी मैं इस वीडियो में। कचौड़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मूंग दाल को सोख करने से। यहाँ लिया है मैंने 1/4 कप मूंग दाल, उसमें वाटर ऐड करके हमें इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है जब तक कि वाटर एकदम क्लियर ना हो जाए। अब इसे सोख होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। जब तक मूंग दाल सोख हो रहा है हम अपनी कचौड़ी का आटा लगा लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 2.5 कप मैदा, ऐड कर रही हूँ यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अब मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अजवाइन और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बारी है ऐड करने की मुहिम जिसकी वजह से हमारी कचौड़ी एकदम खस्ता बनेगी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज किया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि मैदे का टेक्सचर एकदम सिल्की स्मूथ सा ना आ जाए। इसे और अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि हमें एक क्रमली सा टेक्सचर ना मिल जाए। मैदे को इस तरीके से चेक करना है, अगर ये स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है तो मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी यूज कर रही हूँ, एक बार में पूरा पानी मत डालिएगा। धीरे धीरे डाल के हमें इस तरीके से मिक्स करते रहना है जब तक कि हमारा मैदा जो है एक साथ इकट्ठा ना होने लग जाए। कचौड़ी का आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना है, बट इसे पानी हमें ज्यादा डाल के गीला नहीं करना है। धीरे धीरे हमें पानी ऐड करके सॉफ्ट सा आटा लगाना है। डो हमारा अच्छे से नीट होके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम देंगे अपना फाइनल टच। इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए हमें डो को नीट करना है 8 to 10 मिनट्स के लिए। 8 to 10 मिनट्स के बाद हमारा डो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एकदम सॉफ्ट सा। तो डो हमारा नीट होके रेडी हो चुका है, इसे रेस्ट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, इसे हीट होने दे। डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, इसे चटकने दे। डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे इसमें क्रश किया हुआ साबुत धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसे बिल्कुल स्किप ना करें। डालेंगे इसमें हींग, हींग आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपका हींग कितना स्ट्रांग है। ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। टैंगीनेस के लिए ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर, ऐड करूंगी यहाँ पे काला नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सबको हमें लो फ्लेम में अच्छे से कुक करना है ताकि मसाला जले भी नहीं और अच्छे से पक जाए। आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मसाला भुन चुका है। मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें ऐड करूंगी मैं बेसन, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक कि अच्छे से मसाले से कोट होके बिल्कुल चेंज ना हो जाए। लो फ्लेम में कंटिन्यूसली बेसन को स्टर करते हुए हमें भून लेना है। निकाल लेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा पेपर पाउडर। इसे अच्छे से मिला के थोड़ा सा भून लेंगे। 1-2 मिनट बाद इस स्टेज में हम ऐड कर देंगे अपना सोख किया हुआ मूंग दाल। इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि मूंग दाल का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से इवेपोरेट ना हो जाए। मसाला हमारा एकदम ड्राई हो गया, थोड़ा फ्राई हो चुका है। इस स्टेज में हम थोड़ा सा और मसाला को भूनेंगे और हमारा मसाला है बिल्कुल रेडी। मसाला को ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम अपना मैदा चेक कर लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैदा कितने से रेस्ट कर चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैदे का थोड़ा सा पोर्शन लेना, आप देख सकते हैं कितने एफर्टलेसली मैदा निकल आया। एंड इस तरीके से टक इन करते हुए हमें राउंड राउंड ऐसी लोई बना लेनी है। बाकियों को भी इस तरीके से रेडी कर ले। हमने मैदे की सारी लोइयां इस तरीके से रेडी कर ली। आप भी एक बार में सारी लोइयां बना ले, इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, एक बार में सारी कचौड़ियां रेडी हो जाती हैं। अब इन लोइयों को इस तरीके से लेके आपको पाम में ऐसे फ्लैटन करना है, इसके जो साइड्स है उसको थोड़ा सा पतला रखना है और सेंटर में थोड़ा सा मोटा रखना है। इसमें डाल देंगे हम अपना बनाया हुआ स्टफिंग। अब इसमें फिल करना है हमारा बनाया हुआ मसाला। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको थोड़ा सा डालें। ज्यादा स्टफिंग आप मत डालिएगा वरना कचौड़ियां फटने लग जाएंगी। साइड्स को थोड़ा पतला करते हुए हमें इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेना है। दोनों फिंगर की मदद से आप इस तरीके से इसे जोड़े ताकि दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक पॉइंटेड सा निकल आए। कचौड़ी के ऊपर जो पॉइंटेड डो है उसे इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हमें निकाल लेना है ताकि एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। इसे इस तरीके से रोल करें, उल्टा करके हमें ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है, कचौड़ियों को दबाना है। कचौड़ियों को इस तरीके से ही रखे, ज्यादा पतला ना करे वरना वो पूरी बन जाएगी। ये रेडी है, बाकी को भी इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। दूसरा लोई भी हम लेंगे, उसे भी उस तरीके से हमें फ्लैटन करना है। इसके अंदर हमें जो है अच्छे से स्टफिंग ऐड कर लेनी है। कचौड़ी में मसाला डालने के बाद हम इसे बंद करेंगे इस तरीके से, दोनों फिंगर की मदद से इस तरीके से पॉइंटेड सा निकाल के उसे ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। ऐसे हम ब्लेंड कर लेंगे और कचौड़ी को अनइवन सा शेप इस तरीके से दबाते हुए दे देंगे। सारी कचौड़ियों को हमने भर के अच्छे से बना लिया है, अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रख दिया है, इसे ज्यादा गर्म नहीं करना, बस टूथपिक इंसर्ट करे तो कोई बबल नहीं आनी चाहिए उतनी गर्म। चाहे तो आप हलवाइयों की तरह एक स्किमर रख दे, उसमें डाल देंगे हल्के गर्म में अपनी कचौड़ी। मैं यहाँ पे 3 कचौड़ी एक बार में डाल रही हूँ। जितना आपका बड़ा कढ़ाई
जितना आपने तेल लिया उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। लो फ्लेम में हल्के गर्म तेल में हमने कचौड़ियों को डाला, ये धीरे धीरे अपने आप फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगी और ना ही कचौड़ियों को फ्लिप करने की जरूरत है, ये अपने आप इस तरीके से फूल के फ्लोट करने लग जाएंगी। कचौड़ियों को लो फ्लेम में ही कुक करें जब तक कि वो हल्की गोल्डन ना हो जाए। इस स्टेज में आप फ्लेम थोड़ा मीडियम में कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जब तक कि इसका कलर एकदम गोल्डन ना आ जाए, जैसे कि हमारी बाजार वाली कचौड़ियाँ होती है, तब तक फ्राई करेंगे। कचौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई, अब इसे हमें ऑयल से निकाल लेना है। एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ होने दें एंड इसे एक एक करके निकाल ले ऑयल से। कचौड़ी के सेकंड बैच फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से ठंडा कर लें। हल्के गर्म तेल में ही हम कचौड़ियों को ऐड करेंगे। वापस से उस तरीके से इसे अपने आप ही फ्लोट होने दें एंड इसे फ्राई करें। लो फ्लेम में ही हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवाई जैसी एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ घर पे बन रही हैं, वो भी इतने ईजिली। बिल्कुल बाहर वाली एकदम हलवाई जैसी स्वाद आएगी इस कचौड़ी में, उतना ही ज्यादा खस्ता और उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेगा ये कचौड़ी। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और जैसे मैंने बोला है आटा लगाने और मसाला बनाने, एकदम वैसे ही बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार होगी आपकी कचौड़ी। इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। इसे गर्मा गर्म सर्व करें एंड एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। कचौड़ी को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना खस्ता कचौड़ी बनी है। इस कचौड़ी को जल्दी से बनाइए एंड इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें। चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप कि ये हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।